सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आज का वरहमतुल्लाह। मेरा सवाल ये था मुस्ताब कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मेरे खुद मेरा भाई मेरा खुद है, तो ये लोग पबजी के बहुत दीवाने हैं। ठीक है, तो ये लोग बहुत पबजी खेलते हैं। तो अभी एक शायद कोई न्यू अपडेट आया है या कोई न्यू वर्जन आया है जिसमें बहुत सारे स्टेजेस हैं। तो उनमें एक स्टेज में ऐसा भी है कि इनको बहुत सारे आइडल के पास जाके मन्नतें करनी पड़ती, हाथ जोड़ने पड़ते ताकि इनको पावर मिल सके। और पावर या पावर इन इन रिलेटेड मतलब पावर जैसे कि पावर गन्स मिल सके, पावर ड्रिंक मिल सके और बहुत सारी चीज है जैसे पावर से रिलेटेड है। तो ये लोग अब मुझसे ये पूछ रहे थे मेरे भाई लोग कि अब इस गेम को और आगे खेलना चाहिए ऐसे कंडीशंस में या फिर हमें इस गेम को तर्क कर देना चाहिए। तो आप हमें थोड़ा इसलाह करें इस बारे में ताकि हम आगे खेले या ना खेले। الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا सदकल्लाहुल्लाजीम। आज का आपका सवाल है कि ये जो पबजी के वर्जन चेंज होके आ रहे हैं या अपडेट्स आ रही हैं, तो इनके साथ में क्या हम पबजी खेल सकते हैं जबकि उसमें खुल्लम खुल्ला शिर्क किया जा रहा है और एक बुद्ध के सामने, एक आइडल के सामने, एक मूर्ति के सामने सर को झुकाया जा रहा है, उनसे पावर मांगी जा रही है, उनसे शक्ति मांगी जा रही है, क्या इन चीजों के साथ हम पबजी खेल सकते हैं? ये बहुत हैरान कुन बात है और बहुत तशवीशनाक है कि हम देखें आज अपने नौजवानों को, जो यूथ है वो पबजी के किस तरीके से दीवाने हैं। उनको पबजी के अलावा कुछ भी दूसरा दिखाई नहीं देता, वो इसके इस तरीके से एडिक्ट हो गए हैं, इस तरीके से उनको इस गेम का नशा लग गया है। अल्लाह माफ करे, वो वक्त को वक्त नहीं समझते हैं, माँ बाप को माँ बाप नहीं समझते हैं। और इन वर्जन से पहले, ये वर्जन तो अभी आए हैं, इन वर्जन से पहले भी ये गेम कोई अच्छा गेम नहीं था। गेम वो फायदेमंद है या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन गेमों के बारे में कहा गया है कि वो गेम खेले जाएं जिससे जिस्मानी फायदा हो, जिस्म को पावर मिले, ताकत मिले। और ऐसे गेम की तरफ, ऐसे खेल की तरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को तरगीब देते थे, लोगों को कहा करते थे कि ऐसे गेम खेलो। लेकिन ऐसे गेम न जिनसे कोई जिस्मानी फायदा हो बल्कि इससे जिस्म खराब होता है, आंखों की रोशनी जाती है, वक्त इसमें बर्बाद किया जाता है। और कितने सारे ऐसे पबजी प्लेयर्स हैं, पबजी खेलने वाले हैं जो दिमागी हिसाब से खराब हो गए हैं, उनका दिमाग खराब हो गया है, वो पागल हो गए हैं। मैंने कुछ दिनों पहले मुफ्ती हारून नदवी साहब जो मालेगांव से हैं, उनका वो एक न्यूज चैनल चलाते हैं वायरल न्यूज, उसमें उन्होंने दिखाया था कि एक पबजी प्लेयर है, पबजी खेलने वाला है, वो बच्चे जिससे खेलते रहते हैं जिन गन को लेके, वो पबजी प्लेयर उस गन को लेके रोड में आ जाता है और बाहर लोगों को बोलता है मैं तुमको शूट कर लूंगा, मैं तुमको मार दूंगा। ये क्या बेवकूफाना है कि लोगों का जहन खराब हो रहा है, लोग पागल हो रहे हैं और सबसे बड़ी चीज है कि उनकी आंखों की रोशनी खराब हो रही है और इससे दूसरों को भी तकलीफ होती है। जिनके घरों में ये पबजी खेलने वाले हैं उनसे पूछो कि उनके ऊपर क्या बीतती है। कितने वालिदैन तो अपने बच्चों को बाहर कर देते हैं घर से। मेरे भी ऐसे लोगों से साबका हो चुका है कि मेरे रूममेट थे, कुछ ऐसे थे जो रातों में पबजी खेलते थे और दूसरों को भी सोने नहीं देते थे। वो अजीब है, चिल्लाते रहते हैं रातों में, इसको मारो उसको मारो। क्या सीखेंगे वो? मार धाड़ सीखेंगे ऐसे गेम से? और सिर्फ सीखेंगे, करेंगे कुछ नहीं, क्योंकि इनकी ताकत खराब हो रही है, इनका जिस्म खराब हो रहा है ऐसे गेम खेलने से।
जो बंदा रात भर जगेगा और मोबाइल को सामने रखेगा और उसकी रोशनी खराब होगी, उसका जिस्म खराब होगा, उसकी ताकत बर्बाद होगी, और जिसको अपने फ्यूचर के बारे में कुछ एहसास नहीं होगा, अपने मुस्तकबिल के बारे में कुछ एहसास नहीं होगा, वो शख्स क्या करेगा, अपने लिए क्या करेगा, अपने घर वालों के लिए क्या करेगा? ये बहुत संजीदा मसला है। इसमें लोगों को चाहिए कि अपने बच्चों को मना करें, और खुद बच्चों को समझना चाहिए कि ये हमारे लिए मुफीद नहीं है, ये हमारे लिए यूजफुल नहीं है, इससे हमारा कोई भी फायदा नहीं हो रहा। और जाहिर सी बात है, हम गेम क्यों खेलते हैं? जब हम काम से बेजार हो जाते हैं, काम करते करते हम बोर हो जाते हैं, तो अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए, अपने जहन को साफ करने के लिए, ताकि हमें तरोताजा हासिल हो और हम थोड़ा सा सुकून महसूस करें, इसलिए हम गेम खेलते हैं। और जब हम पबजी खेलेंगे तो इसमें सुकून ही नहीं है, इसमें हम चिल्लाते रहते हैं, आंखों की रोशनी हम खराब करते रहते हैं, और जो भी घर वाले होते हैं उनकी नींद को बर्बाद करते रहते हैं और उनको तकलीफ देते रहते हैं। तो ये बहुत खराब गेम है। इसको कोई भी अकल वाला, जिसके पास अल्लाह तबारक वताला ने थोड़ी सी भी अकल दी होगी, थोड़ा सा भी जहन दिया होगा, थोड़ा सा भी शऊर दिया होगा, थोड़ी सी भी समझ दी होगी, तो इस गेम से दूर हो जाएगा और इस गेम को खेलने के लिए कभी अपने बच्चों को तरगीब नहीं देगा। और खुद जो पबजी प्लेयर हो, पबजी का एडिक्ट हो, पबजी के नशे में लतपत हो, वो अपने छोटे भाइयों को नहीं कहेगा कि आओ पबजी खेलें, तुम भी इस नशे में बर्बाद हो जाओ, तुम भी अपने वक्त को इस गेम के साथ बर्बाद करो, कभी नहीं बोलेगा। तो ये पहले ही से ये गेम खराब है, ये गेम अच्छा गेम नहीं है, बिल्कुल भी इससे दूर हो जाना चाहिए। आप अपने भाइयों से और आपके जो जानने वाले हैं, जो फ्रेंड्स हैं, जो दोस्त हैं, उन्हें आप इस गेम से दूर करिए। मैंने इस नए वर्जन के बारे में, इस नए अपडेट के बारे में पबजी खेलने वालों से भी मालूमात किया है कि इस वर्जन के बारे में क्या कहते हो तुम लोग, तुम्हारा क्या ख्याल है इसके बारे में। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये जो अभी अपडेट आई है, ये जो नया वर्जन आया है, इसमें कुछ आइडल हैं, कुछ मूर्तियां हैं, कुछ बुत हैं, हम इनके सामने जाते हैं और इनकी इबादत करते हैं, इनकी पूजा करते हैं, इनके सामने सर को झुकाते हैं और इनसे मन्नतें मांगते हैं। तो फिर जब हम ये मन्नतें मांगते हैं, इनके सामने सर को झुकाते हैं, इनके सामने हाथों को जोड़ते हैं, तो ये हमें पावर देते हैं, ये हमें शक्ति देते हैं, ये हमें पावरफुल गन देते हैं। और एक साहब ने कहा कि हमें ये एनर्जी की ड्रिंक्स देते हैं जब हम इनकी पूजा करते हैं, इनकी इबादत करते हैं। और इस्लाम का जो पहला कायदा है, जो पहला कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक बुनियाद है इस्लाम की, वो इसी चीज पर है कि हम किसी को रुकू नहीं करेंगे, किसी को सजदा नहीं करेंगे, किसी को माबूद नहीं मानेंगे, किसी को लॉर्ड नहीं मानेंगे, किसी को गॉड नहीं मानेंगे। हमारा गॉड, हमारा लॉर्ड, हमारा अल्लाह सिर्फ एक है, उसी के सामने हमें सर को झुकाना है, उसी से मन्नतें मांगनी है, उसी से अपनी जरूरतों को पूरी करवानी है, और उसी से पावर मांगनी है, उसी से ताकत मांगनी है, उसी से कुव्वत मांगनी है। अगर कोई बादशाह खड़ा हो जाए और बादशाह कहे कि अगर तुम मुझे सजदा करोगे तो मैं तुमको फुला फुला चीजें दूंगा, तो यहां पे भी सजदा करना हराम होगा, यहां पे भी उस बादशाह के सामने रुकू करना हराम होगा, क्योंकि रुकू और सजदे किसको किए जाएंगे, सिर्फ अल्लाह को किए जाएंगे। और पूरा कुरान अल्लाह की वहदानियत से भरा हुआ है। अब अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फरमाते हैं, इन अल्लाह ला यग़फिरु अन युशरक बिह व यग़फिरु मा दून ज़ालिक लिमन यशा व मन युशरिक बिल्लाह फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन बईदा। अल्लाह तबारक व तआला शिर्क करने वालों को कभी माफ नहीं करेगा और जिसे चाहेगा माफ कर देगा। और यकीनन जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराए तो वो दूर गुमराही में जा गिरता है। तो इस तरीके से अगर हम मूर्तियों के सामने हाथों को जोड़ते हैं, मन्नतें मांगते हैं,
तो ये हराम है, सरासर हराम है। और हम अपना ईमान तक खो देते हैं, हम ईमान से दूर हो जाते हैं। हम हंसी मजाक में भी किसी दूसरे के सामने सजदा नहीं करेंगे, हम खेल के लिए भी किसी दूसरे के सामने सजदा नहीं कर सकते। हमारा ईमान खतरे में है, हमारा ईमान चला जाएगा। जितने नबी आए शुरू से आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, सबकी एक ही तालीम थी कि एक अल्लाह की इबादत करो, एक अल्लाह के सामने सजदा करो, एक अल्लाह से अपनी जरूरतों को पूरी करवाओ, अपनी जरूरतों को मांगो, उसी से शक्ति मांगो, उसी से पावर मांगो, उसी से कुव्वत मांगो। और कुरान इन चीजों से भरा पड़ा है। तो अभी तक जो खेल रहे थे ये गेम, मैं उनसे दरखास्त करता हूं, अपील करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे भाई इससे दूर हो जाओ, इस गेम से दूर हो जाओ। ये गेम ऐसा गेम है जो तुम्हें अपने वालिदैन से दूर कर रहा है, अपने रिश्तेदारों से दूर कर रहा है, अपने अल्लाह से दूर कर रहा है, अपने माबूद जिसकी भी तुम इबादत करते हो उससे दूर कर रहा है। तुम्हें वक्त ही नहीं मालूम होता कौन सा वक्त कब चला गया। और फिर जब रात में तुम समझते हो कि ये सुकून का वक्त है, हम घर में आराम से खेलेंगे, तो तुम्हारी वजह से कितनी लोगों की नींदें खराब होती है। तुम्हें इस चीज का एहसास होना चाहिए कि आपकी वजह से कई सारे लोग सो नहीं पाते। और फिर इस वर्जन के साथ तो बिल्कुल ये गेम हराम हो जाएगा, आप खेल ही नहीं सकते ये गेम। अगर आप ये गेम खेल रहे हैं तो आप अल्लाह का इनकार कर रहे हैं, अल्लाह की आयतों का इनकार कर रहे हैं, नबी की तालीमात का इनकार कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में एक आयत उतारी है और उन मुनाफिकों के बारे में, लेकिन वो आयत यहां पर फिट हो रही है, साबित हो रही है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, वलइन सअलतहुम लयकुलुन्ना इन्नमा कुन्ना नखूज़ु व नलअब قل أبالله وآياته ورسوله إن كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم। ये कुरान मजीद की एक आयत है, इसमें कहा जा रहा है अगर उनसे तुम पूछोगे कि तुम उनकी इबादत क्यों करते हो, तुम उनसे क्यों जरूरतों को मांगते हो, तो वो जरूर से जरूर तुम्हें जवाब देंगे। और वो कहेंगे अरे हम तो हकीकत में उनकी इबादत नहीं करते, हम हकीकत में उनके सामने सजदा नहीं करते, उनके सामने सर को नहीं झुकाते, हम तो सिर्फ खेलते हैं, हम तो सिर्फ दिल लगी करते हैं, हम तो सिर्फ अपना टाइम बर्बाद करते हैं, टाइम पास करते हैं, लेकिन वो टाइम हकीकत में बर्बाद कर रहे होते हैं। तो वो इस तरीके की जवाब देंगे कि हम तो सिर्फ उनके सामने इसलिए सजदा कर देते हैं, इसलिए उनके सामने हाथों को जोड़ देते हैं कि कुछ पावर मिल जाएगी, कुछ शक्ति मिल जाएगी, तो हम गेम में जीतेंगे, विनर बनेंगे। तो कसम खुदा की ये चीज हराम है। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों के बारे में फिर कह रहे हैं, कुल अबिल्लाहि व आयातिही व रसूलिही इन कुंतुम तस्तादिऊन, इनसे कहो कि क्या अल्लाह और अल्लाह की आयतों और रसूल के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, उनके साथ मजाक और सैर व तफरी कर रहे हो, क्या उनको भी अपने गेम में लाके उनकी धज्जियां उड़ा रहे हो। फिर अल्लाह ताला आगे फरमा रहे हैं, ला तअतज़िरू, बहाने मत बनाओ, इधर उधर की बातें मत सुनाओ, हीले मत तलाश करो, तदबीरें मत ढूंढो, कद कफर तुम बाद ईमानी को, अगर तुम ऐसा करोगे तो यकीनन तुम अल्लाह के साथ में कुफ्र करोगे। ला तअतज़िरू, बहाने मत बनाओ, कद कफर तुम बाद ईमानिकुम, यकीनन तुमने अपने ईमान के बाद कुफ्र किया है, अल्लाह को इनकार किया, अल्लाह की आयतों का इनकार किया, रसूल को इनकार किया, रसूल की तालीमात को इनकार किया। तो हमें चाहिए कि हम इस गेम से दूर हों और अल्लाह की पनाह मांगे, अल्लाह से इस्तग़फ़ार करें। ये बहुत मोहलिक गेम है, इसे हम हल्का ना समझे, ये हमारे ईमान को दूर कर रहा है और ये दुश्मनों की एक साजिश में से एक साजिश है। उनको मालूम है कि सबसे बेहतर और सबसे बेस्ट सिर्फ इनके यहां एक ही कॉन्सेप्ट है कि एक अल्लाह की इबादत की जाए। वो चाहते हैं कि हमें इस अल्लाह से दूर कर दें, हमें एक अल्लाह की इबादत से दूर कर दें। हमें उनकी चालों को समझना चाहिए,
मैं जितने दोस्त हैं मेरे, जितने अहबाब हैं, वो किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, मैं उन सबसे दरखास्त करता हूं कि वो बाज आ जाएं, वो रुक जाएं ऐसे गेम खेलने से जिनसे उनका फ्यूचर खराब हो रहा हो, उनका मुस्तकबिल खराब हो रहा हो। अगर वो स्टूडेंट्स हैं, अगर वो तालिबे इल्म हैं, इस गेम को खेल रहे हैं, इस गेम का नशा आ गया है, तो उनका पढ़ाई में बिल्कुल भी जहन नहीं लगेगा, पढ़ाई में बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगेगा और उनका दिमाग कमजोर होता जाएगा। अगर वो जॉब करते हैं, सर्विस करते हैं, तो जॉब में उनका वैसा मन नहीं लगेगा, वो जॉब सही से नहीं कर पाएंगे। उनको जॉब में रहेगा कि जल्दी से कब फुर्सत मिलेगी, कब मैं पबजी में बैठूंगा, कब मैं पबजी खेलूंगा, और जब रात में खेलेंगे तो वो दिन में क्या जॉब करेंगे। और माँ बाप से कैसे दूर हो रहे हैं लोग, बच्चे कैसे दूर हो रहे हैं। तेलंगाना की एक रिपोर्ट आई थी कि पबजी खेलने वाला, जब उनके वालिदैन ने उनसे कहा कि मत खेलो पबजी, अपनी पढ़ाई में फोकस करो, एग्जाम में फोकस करो, तो उसने अपने वालिदैन को मार डाला। मुफ्ती हारून नदवी साहब जो वायरल न्यूज चलाते हैं, उन्होंने अपने एक न्यूज में दिखाया था जिसका मैंने तस्करा किया कि ऐसे ऐसे मतलब लड़के खराब हो रहे हैं कि रोडों में आ रहे हैं और किसी को भी पकड़ के कह रहे हैं कि मैं तुमको मार दूंगा। ऐसा गेम कहां से जायज हो सकता है, कहां से सही हो सकता है, जिसमें हमारा कोई फ्यूचर ना हो, जिसमें हमारा कोई मुस्तकबिल ना हो, जिसमें कोई हमारा फायदा ना हो, जिसमें हर तरीके की बुराई मौजूद हो, जिसमें हर तरीके के फसादात मौजूद हो। तो ऐसे गेम से हमें दूर हो जाना चाहिए, हमें तर्क कर देना चाहिए और अल्लाह से इस्तग़फ़ार करना चाहिए। ऐसे गेम खेलना चाहिए जिनसे हमारे जिस्म में ताकत मिले, कुव्वत मिले, हमारा जहन मजबूत हो, हमारा जहन फ्रेश हो, ऐसे गेम खेलना चाहिए। और अपने बच्चों को भी खेलने की तरगीब देना चाहिए, अपना जिस्म बनाने के लिए कोशिश करना चाहिए और लोगों को भी इसके बारे में कहना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको बेहतरीन समझ दे और अकल दे और ऐसे खुराफात से, ऐसे बुरे खेल से हम सबको इससे दूर करे और हम सबका बेहतरीन मुस्तकबिल बनाए, बेहतरीन फ्यूचर बनाए। अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। तो आप सबने देखा होगा, आप सबने आंसर सुन लिया होगा अच्छे से। तो मेरी गुजारिश रहेगी कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें, शेयर करें और देखने के साथ साथ अमल भी लाए इसको, कि हम कैसे करके अपनी जिंदगी में इस चीज को अमल कर सकते हैं वो भी करें। प्लीज सब्सक्राइब दिस वीडियो मोर एंड मोर एंड लाइक्स मोर एंड मोर।